डोंट फोकस ऑन रॉन्ग, मतलब आपका गलतियाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है? क्योंकि लाइक ऐसा होता है क्या है ना कि लाइफ में आप जिस की तरह अटेंशन ज़्यादा पे करते हो, लाइफ उसी की तरह लेके जाता है। काइंडली स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, ठीक है? कृपया करके खुद को ब्लेम मत करो, ठीक है? देखो आपको तो पता है ना जो हादसा हुआ था पहले, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगा, तो ब्लेम करके भी फायदा नहीं है, ठीक है? उसके बाद देखो आदमी लोग तो बोलता है ना कि आपने भी सुना होगा पहले, खुद को दोषी दो, खुद को ये बनाओ, खुद को ये बनाओ, दूसरे को तो अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा लगेगा, और ये से बोलो यार ये भी ऐसे कर, ऐसे बोलो कि ये क्या होगा। लेकिन ना ऐसे मैं बता रहा हूँ दैट खुद को इतना ब्लेम मत करो, ठीक है? क्यों लाई थी वो, जब आप अकेले रह जाओगे, ठीक है, तो अगल बगल में कोई नहीं होगा तो आप सोचोगे हाँ मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया। मेरे को ये भी नहीं करना चाहिए कि मैंने गलती क्या किया, कैसे भूल सकते हैं, कैसे गलती हो गया। जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ यार, ओके? आपका फिलोसफी ना स्ट्रेट होना पड़ेगा। देखो आपको सोचना है कि देखो जो हादसा पहले हुआ था ना, वो हादसा तो कुछ घंटों के लिए हुआ था या फिर कुछ दिनों के लिए हुआ था, वो मतलब परमानेंट नहीं है ना, वो तो बस टेम्पोररी है। सेम हादसा अगर बाद में भी आकर होने से, तो अभी का जो आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके, तो इसीलिए आपको आइडिया वो सबको आपको एटलीस्ट दिमाग पे रखना है, ठीक है? क्या पता बाद में आकर हो भी गा। तो लास्टली लेट मी आस्क यू टू बी विद ग्रेट पीपल, ओके? ग्रेट पीपल देखो आपको जो फिलहाल जो हादसा जो हो रहा है ना, जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, ग्रेट पीपल लोग का ऑलरेडी प्रॉब्लम हुआ था पहले, ठीक है? आपका दर्द वर्द सब कुछ, ठीक है, दर्द एंड उदास एंड सब कुछ उन लोग को समझ में आता है। ग्रेट पीपल को सबको नहीं आएगा, लेकिन उन लोग को एटलीस्ट आएगा, क्योंकि उन लोग का पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ही। कुछ आप जहाँ पे कराता ना पहले उन लोग खराब हो भी गया, ठीक है? तो इसलिए बोलो कि बी विद ग्रेट पीपल, ओके?